हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए लेके आए हैं हम आज जीरो टू जीनियस क्लास में सरलीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न। देखिए प्रश्न हमारा क्या बन रहा है, 3 + 1√3 + 1√3 + 3 + 1√3 - 3 का मान है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में है हमारा 3 और बी में है 3/2 √3 + 3 और ऑप्शन नंबर 3 में है 2√3 और ऑप्शन 4 है हमारा डी यानी के 6। तो आपका आंसर क्या जाने वाला है कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए देखिए, अक्सर विद्यार्थी करते क्या है परीक्षा में विद्यार्थी, ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, वो यहां पर √3 √3 + 3 √3 देख लिया तो ज्यादातर आंसर में क्या बनाने वाले होते हैं, ज्यादातर उनका आंसर बी व सी पर होने वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में ही हमारा √3 नजर आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी व ऑप्शन नंबर ए की ओर ध्यान नहीं देंगे। कोई विद्यार्थी जिसने ये इस प्रकार के प्रश्न अच्छे से हल किए हुए हैं वो ही इन दो ऑप्शन को देखेगा और इनमें से अपना एक उत्तर चयन करेगा, वरना कुछ विद्यार्थी जिन्होंने इस प्रकार के प्रश्नों पर मेहनत नहीं की है वो डायरेक्टली अपना आंसर बी या सी में से चूज करेंगे, जो कि दोनों ही आंसर हमारे गलत हैं। दोनों में √3 है लेकिन दोनों के दोनों आंसर गलत है। चलिए देखते हैं आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल कैसे बना सकते हैं, वो भी महज 10 सेकंड में। चलिए देखिए आपको दिया क्या गया है, आप लिखेंगे यहां पर हल और हल लिखने के बाद आप शुरू कर देंगे अपना प्रश्न। क्या है? 3 + 1√3 + 1√3 + 3 + 1√3 - 3 इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब हल कैसे बनाना है ये बात देख लीजिए, हल कैसे बनाएंगे। ये 3 + 1√3 है, हम इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको जो का तो लेके चलेंगे और जो ये है 1/√3 + 3 + 1/√3 - 3 इन दोनों को ले लेंगे लघुत्तम, इसमें करेंगे जो कार्रवाई करनी है हमें। तो चलिए 3 + 1√3 ये वाला पार्ट हमारा जो का क्यों, इसको हमने नहीं छेड़ा। अब छेड़ना किसको है? इस वाले पार्ट, इधर वाले पार्ट को हम छेड़ देंगे और इस वाले पार्ट को हम नहीं छेड़ेंगे। ये रेड कर दिया है, रेड जोन में है, इसको मत छेड़ना। चलिए देखिए यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, लघुत्तम क्या आ गया हमारा, लघुत्तम आ गया हमारा √3 + 3 × √3 - 3 ये आ गया इसमें से लघुत्तम। ऊपर क्या, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, तो ऊपर हो गया √3 - 3, प्लस है तो बीच में प्लस डाल देंगे और √3 + 3। अब देखिए होता क्या है, इधर ये माइनस का 3 इधर ये प्लस का 3 आपस में कट गया विपरीत चिन्ह होने के अनुसार। अब देखिए हमने कहा है इसको नहीं छेड़ेंगे तो इसको अभी जो का तो लिख के चलेंगे, 3 + 1/√3 प्लस, यहां पर देखिए 1√3 प्लस का और 1√3 प्लस का, प्लस के हो गए 2√3 हमारे। अब नीचे क्या बचा, नीचे √3 की गुणा 3 में हुई तो ये आ गया 3 बाहर। आप जानते हो इस प्रकार से कि √3 की पावर 2, देखिए या √3 × √3 होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा बाहर, इस प्रकार से हमारा कुछ होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब √3 की गुणा इसमें √3 में होगी तो ये आ गया 3 और ये कितना, 3 * 9 तो माइनस का आ गया 9 आपका यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 1/√3 ये वाला पार्ट जो का तो इधर देखते हैं, देखिए 2√3 / कितना, 9 माइनस का है 3 प्लस का है तो माइनस के बच गए हमारे 6 यहां पर। अब देखिए होता क्या है, ऊपर 2 गुना में है इसके √3 के साथ और नीचे 6 भाग में है तो 2 6 को डिवाइड कर देगा, 2 * 6 और क्या आ गया आपका,
तीन प्लस एक बटा रूट तीन और प्लस रूट तीन बटे में माइनस के तीन, ये यहां पर। और आप एक नियम जानते हो, नियम क्या है, यदि ऊपर रूट तीन है और नीचे तीन है तो इसे हम लिख सकते हैं एक बटा रूट तीन। यहां पे जो भी चिन्ह होगा चिन्ह वही आएगा। इस प्रकार से लिख लेते हैं, यदि ऊपर दो है और नीचे भाग में रूट दो है तो ऊपर हमारा बन जाता है खाली रूट दो। इस प्रकार से ये कुछ नियम होते हैं हमारे। तो यहां पर देखिए ऊपर रूट तीन है, नीचे माइनस का तीन है, तो क्या आ जाएगा हमारा, चलिए देखिए क्या आ जाएगा, इसे हटा देता हूं मैं। देखिए इसको हम जोगा तो रखेंगे अपना, तीन प्लस वन अपॉन रूट तीन। अब यहां पे देखिए ऊपर कितना बना, पहले चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का हो गया चिन्ह और यह आ गया ऊपर एक बटा रूट तीन। अब देखिए ये प्लस का रूट तीन एक बटा रूट तीन, ये माइनस का एक बटा रूट तीन, आपस में डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा, तीन। तो आंसर कितना बचा हमारा, तीन। देखिए खाली तीन रह गया यहां पे। अब ऑप्शन में कहां है, ऑप्शन नंबर एक पर हमारा तीन है, तो हम ऑप्शन नंबर एक अपना आंसर चुनेंगे। कितनी आसानी से आपने इसका आंसर ज्ञात कर लिया है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा उसे देखते हैं।